प्रिय मित्रों एवं श्रोतागण, मेरी हार्दिक शुभकामना, आप लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जिस तरह से आप लोग मुझको, मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं आभारी हूँ। जैसा आपको मालूम है, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। मेरा प्रयास रहता है दोस्तों कि अपनी विद्या, अपनी कला के माध्यम से आपको अधिक से अधिक कुंडली, ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में, भाव के बारे में ज्ञान प्राप्त कराऊं। आज एक अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूं। चंद्र सूर्य मंगल शनि ग्रह की युक्ति, चंद्र सूर्य मंगल शनि ग्रह की युक्ति का देखें खेल अपने भाग्य, अपने जीवन के साथ सभी राशियों में। जिसके मेष राशि में चंद्र सूर्य मंगल शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग उत्तेजित होते हैं, मेहनती होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, जिद्दी होते हैं। जिसके कुंडली वृषभ राशि में चंद्र सूर्य मंगल शनि की युक्ति हो, इनके जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है, परिश्रम का सही लाभ नहीं मिलता है, संकोची स्वभाव के होते हैं, विवादों में अधिक फंस जाते हैं। जिसके कुंडली में मिथुन राशि में चंद्र सूर्य मंगल शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग माता पिता के सेवक होते हैं, समाज के सेवक होते हैं, इनको कम परिश्रम में अच्छी उन्नति मिलती है और माता पिता से भी इनको अच्छा लाभ मिलता है। जिसके कुंडली में कर्क राशि में चंद्र सूर्य मंगल शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग बचपन से ही तेजस्वी और पराक्रमी होते हैं, व्यक्ति को पहचानने की क्षमता होती है, मेहनती होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। जिसके कुंडली में सिंह राशि में चंद्र सूर्य मंगल शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग चैत्रवान होते हैं, ऐसे लोग विद्वान होते हैं, ऐसे लोग IAS IPS बनते हैं, ऐसे लोग वैज्ञानिक बनते हैं। जिसके कुंडली में कन्या राशि में चंद्र सूर्य मंगल शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग विवादों में नहीं रहते हैं, ऐसे लोग गलत लोगों का संगत नहीं करते हैं, ऐसे लोग व्यक्ति को बहुत जल्द पहचान जाते हैं, ऐसे लोग मृदुल मीठे स्वभाव के होते हैं। जिसके कुंडली में तुला राशि में चंद्र सूर्य मंगल शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग उद्योगपति बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, ऐसे लोग राजनीति में सफलता पाते हैं, परंतु इनको पारिवारिक जीवन में विवाद बना रहता है। जिसके कुंडली वृश्चिक राशि में चंद्र सूर्य मंगल शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग पेट संबंधी रोग से परेशान रहते हैं, सर्दी खांसी से परेशान रहते हैं, दिमागी रोग रहता है, या ऐसे लोग बहुत अधिक सोचते भी हैं, जिसके कारण ये संघर्ष करते हैं। जिसके कुंडली में धनु राशि में चंद्र सूर्य मंगल शनि बैठा हुआ है, ऐसे लोग अपनी पहचान स्वयं बनाते हैं, रंग से राजा होते हैं, ऐसे लोग छोटी नौकरी करके उच्च पद की प्राप्ति पाते हैं, ऐसे लोग जीवन में कभी कर्जदार नहीं होते हैं, कभी सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं होती। जिसके कुंडली में मकर राशि में चंद्र सूर्य मंगल शनि बैठा है, दोस्तों क्या बात है, ऐसे लोग राजनीति में सफलता पाते हैं, संसद विधायक मंत्री बनते हैं, ऐसे लोग उद्योगपति बनते हैं, स्वतंत्र कार्य करते हैं, कई उद्योग के मालिक होते हैं। जिसके कुंडली में कुंभ राशि में चंद्र सूर्य मंगल शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग अपनी पहचान स्वयं बनाते हैं, ऐसे लोग रंग से राजा होते हैं,
ऐसे लोग के पास जीवन में सोचे हुए अधिकांश कार्य को पूरा कर लेते हैं, कभी इनके कर्जदार नहीं होते, कभी सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं होती। जिसके कुंडली में मीन राशि में चंद्र सूर्य मंगल शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग विदेश जाते हैं, ऐसे लोग धार्मिक कार्य करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, ऐसे लोग मंदिर, धर्मशाला, अस्पताल बनाते हैं। ये छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, आप संपर्क कर सकते हैं। कोई मित्रगण अपनी कुंडली का मुझसे विवेचन कराने की इच्छा करता है तो मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, मेरे नियम का पालन करेंगे तो मैं विवेचन कर दूँगा। मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है। इतना कहते प्रोग्राम समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार, शुभ आशीर्वाद।